जय जवान जय किसान। मैं चंद्रमान सिंह किसान, किसान कार्यशाला यूट्यूब पर और राहुल जवान के साथ। आज हम हैं एक केले के प्लॉट पर। ये अपना गृह जनपद है औरैया। तो किसान की मेहनत अच्छी लग रही है और केला का साइज और पौधा की हाइट ठीक लग रही है। तो आज हम किसान से ही जानेंगे कि इसमें कितना जो है, कैसे आपको केला के लिए मोटिवेट हुए। और एक इकलौते इस क्षेत्र में ये किसान हैं जिन्होंने अपने खेत में केला प्लांटेशन किया है। और ये इन्होंने पूरा फॉलो किया है 70-30 खेती। और इसमें इधर भी प्लॉट इनका अच्छा है। इनकी जो मिट्टी को देखते हुए, इनका मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है इसको देखते हुए इसमें बहुत कुछ इन्होंने अपना अच्छा किया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, किसान से उनका परिचय लेंगे। और देखिए ये कितना अच्छा जो है केला चल रहा है। और इनकी मिट्टी में ये कांकर टाइप में है, राकर मिट्टी बोलते हैं इसको, जिसमें कांकड़ भी है, ऊसर टाइप में मिट्टी है। इस मिट्टी का पीएच भी बढ़ा हुआ होगा, इसका पीएच बढ़ा हुआ होगा। और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि देखो देखो आप इस मिट्टी का स्ट्रक्चर देखिएगा। देखो ये देखो ये देखो, कांकड़ है बिल्कुल, ये बिल्कुल कांकड़ है। तो इस ज़मीन में किसान ने मेहनत की और उसका इनको फ़ायदा भी मिलेगा। तो अभी हम किसान से उनका परिचय लेंगे और उससे उनसे पूछेंगे भाई ये कहाँ है। किसान ने पूरा ड्रिप सिस्टम लगा रखा है और इन्होंने ये ड्रिप चला भी रखी है। देखो ये पानी निकल भी रहा है, ये देखो ये टपक विधि से पानी टपक रहा है। तो किसान प्रोडक्शन लेने के लिए काम तो अच्छा किया है और पूरा सेटअप सही से बनाया है। तो किसान भाई आ गए हैं तो उन्होंने पूरा सिस्टम अपना ड्रिप पे लगा रखा है। तो हम परिचय लेंगे आपका, आप अपना परिचय दें। नमस्कार भैया, मैं प्रमोद कुमार विधुना से, डिस्ट्रिक्ट औरैया। और तो भैया आपका परिचय क्या? मैं सत्यवीर मुर्रा से, जिला हो रही है, जिला हो रही है उत्तर प्रदेश। दादा आपका परिचय? श्री देवीर सिंह विधुरा, जिला हो रही है। अब ये इसमें जैसे मान के चलो मां साहब, ये थोड़ा ड्रिप आपकी दूर पड़ी है पौधे से जी, थोड़ा दूर है, थोड़ा और इसमें पास करो इसके, मतलब इतना पास नहीं, थोड़ा दूर, और जो पानी कम से कम उसकी जड़ों तक तो पहुँचे। तो आपने पूरा सेटअप सही बनाया है, ड्रिप से किया है। तो ड्रिप से, ड्रिप का तो लाभ खैर अच्छा मिलता ही है। और केला खेती कर करके करके आपको लग कैसा रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब पहली बार है, लेकिन अब देखते हैं रिजल्ट क्या है। उम्मीद कैसी जगी है? नहीं, उम्मीद के हिसाब से तो अच्छा रिजल्ट है, अब देखो फिर क्या होता है। नहीं नहीं, आपकी मिट्टी को देख कर, आपकी मिट्टी को देख कर के आपकी मेहनत ठीक है। थोड़ा यहाँ पर ये मतलब युवा गन्ना घास लगी है, इधर से हवा ज़्यादा तेज आ रही है तो थोड़ा गन्ना घास छोटी है इधर, इसलिए। और मिट्टी के हिसाब से फिर भी ठीक है आपका। थोड़ा इसमें ये आपकी मेहनत खैर ठीक है और प्लॉट भी आपका अच्छा चल रहा है।
इधर इधर भैया थोड़ा प्लॉट आपका हल्का है, इसलिए कि चूंकि इधर से डायरेक्ट सनलाइट भी आती है और आपका ये जो लपट वाली हवाएं आती हैं गर्मीली हवाएं वो भी इधर से आती हैं, चूंकि गन्ना घास बहुत छोटी है और इसलिए थोड़ा छोटा है पौधा। और इधर जो पत्तियां जल सी रही हैं, ये थोड़ा पानी की मात्रा इसमें बढ़ाओ। ठीक, कुछ यही सलाह है। और केला खेती करके आप खुश तो हो कम से कम, ये तो मेरे को लग रहा है कि आप संतुष्ट हैं। और ये एक ऐसी फसल है कि आपको अगर कोई किसान कर्जे में है तो उसका कर्जा भी निकाल देगी, ये पक्की बात है। तो प्लॉट देखकर आपका अच्छा लगा, चलो और अंदर तक देखते हैं क्या कैसी कंडीशन है। और इनके जो बच्चे हैं इनके बच्चों को कटवाने का प्रयास करो, क्योंकि जितना भोजन आप दे रहे हो वो भी तो इसी में से खा रहे हैं। हाँ, बच्चे बांट लेते हैं, तो बच्चे बांट लोगे एक थाली में, मान के चलो हमने कुछ दिया है तो उसमें से अगर बच्चे होंगे तो बांट लेंगे, क्योंकि तो थोड़ा ड्रिप की यानी पानी की मात्रा बढ़ा दो, थोड़ा टाइम बढ़ा दो ड्रिप का। जैसे अभी तक कितना देते हो? ये अभी 2-3 घंटे चलाते हैं। अच्छा अच्छा, कभी कभी ज़्यादा सूखा लगता है तो 4-5 घंटे भी चला देते हैं। नहीं, अब उससे टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ जाओ ना, जैसे मान के चलो कि 30 टेम्परेचर पे जितने पत्ते हैं उतने लीटर पानी चाहिए उसको, एक पौधे में जितने पत्ते हैं तो उसको उतने लीटर पानी चाहिए। अगर 15 पत्ते हैं तो 15 लीटर पानी चाहिए उसको। और अगर जैसी टेम्परेचर 40 पहुँचा तो हमें 25% का इंक्रीज हुआ उसमें, तो हमें 25% पानी बढ़ा के देना है। ये चीज़ें हैं, थोड़ा छोटी छोटी बातें हैं, हैं बड़े काम की। तो आपको देख करके नए किसान उत्सुक होंगे, कुछ लोग तो चर्चा कर ही रहे होंगे कि भाई आपने किया है तो अगर आपका देखेंगे तो हमें कुछ मिलेगा तो हम भी नया करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बताइए, क्या इसको बांधना पड़ेगा कंपलसरी या ये फल जो है? अभी नहीं, अभी जब फ्लावरिंग आने दो तब बांधना है, बंधेगा अभी नहीं बंधेगा। हाँ, उसी टाइम, हाँ उसी टाइम देखो, सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी। अगर सुरक्षा नहीं करोगे दादा तो नुकसान हो जाएगा, हो सकता है कभी आंधी आ जाए या कुछ दिक्कत हो जाए, तो इसलिए जो है फ्लावरिंग जब होगी वजन तो आएगा ही, तो वजन के लिए हमें बांधना पड़ेगा। तो दादा आपको कैसा लगा ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा? बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है भाई, पहली सा हम तो जब कह रहे थे शुरू से यहाँ हो ही नहीं बगिया, लेकिन नहीं कि हम करके दिखाए ये इनकी मेहनत है, चलो इनका मेहनत और इनका दृढ़ विश्वास, वो तो खैर है, उसी का नतीजा है कि मासा वो इंची टेबल आएगा जी। हाँ, तो कोई एक नाप के दिखाओ, एक दो पौधे इसी को नाप लेते हैं, चारों तरफ इंची टेप डालो। बस बस, सत्ताईस इंच है इस उसरीली मिट्टी में, जिसका पीएच भी बढ़ा हुआ है जी। इस मिट्टी का पीएच भी बढ़ा हुआ है, वहाँ भी 27 इंच का है, यानी 27 से लगभग प्लस ही होंगे, एवरेजन 27 से 25 से प्लस तो हैं सभी जी। जहाँ पे पौधे कुछ ठीक लग रहे हैं वो सारा प्लाट ठीक ठाक है और लगभग सही भी चल रहा है, तो अच्छा है, देखकर बहुत अच्छा लगा और आपकी मेहनत रंग लाई। तो क्षेत्र के किसान इससे मोटिवेटेड होंगे, और फसलों से तो अच्छा है ही, गेहूं धान बाजरा मक्का उससे तो अच्छा है ही। इसमें अगर आपने मान के चलो कि ये एक साल की फसल है, तो इसमें अगर आपने कुछ एक दिन एक दो दिन दो चार दिन अगर कोई काम नहीं भी कर पाया तो ये नहीं कहेगा कि भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमने धान में या गेहूं में या बाजरा में या और कोई फसल में अगर हमने 10 दिन लेट कर दिया तो वहाँ प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। भैया नमस्कार, आपका परिचय? भैया नाम जतिन प्रताप। अच्छा अच्छा,
यहाँ बिदुना से सांपुर। अच्छा, आपके क्षेत्र में माँ साहब ने केला लगाया है, आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो आप भी खेती करते होंगे? खेती है, करते हैं। तो आपको, आप भी नहीं इनसे वो हुए कि मतलब हम भी करें कुछ के? इनके खेत में रास्ता आस्ता बढ़िया, हमारे यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है रास्ता। हाँ, रास्ता तो खैर जरूरी है। लोडिंग कहाँ होगी अभी इनका? जब केला कटेगा लोडिंग होगी वो कहाँ से होगी फिर? इनके लिए तो रास्ता ठीक है, समस्या जाए। तो झुकाव अभी मार रहा है तो क्या? वो कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई टेंशन ना ले। जब होगा तो, अभी तो खैर कुछ है नहीं इसमें, आने वाला ही है एक यही नेक्स्ट मंथ में। हाँ, हाँ, है, निकल जाएगा। हाँ, निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये टाइम आ गया ना इनका, ये बहुत ही सुंदर प्लॉट है। तो ये इस तरह का एक पौधा ये है, एक ये तो ऐसा है, ऐसा है कि इनमें तो कुछ ना कहीं ना कहीं 1-8% तो ऐसा हो ही जाता है। या तो इसका ये शुरुआत का पोंगा ये खराब हो गया होगा ना, ये अभी हुआ, पहले सही चल रहा था। हाँ, तो इसमें या तो इसमें किसी ने कुछ खा लिया होगा, ये ऐसा है ना, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया ना यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं, अगर निकलेगा तो निकल भी आएगा। कोई ये जला हुआ है ना शुरू से। कुछ और तो पौधे आपके बढ़िया चल रहे हैं? हाँ, ये यहाँ पे है, एक दो पौधे प्लॉट। हाँ, वो एक आध ऐसे तो देखो, ये तो प्लॉट है, कहीं ना कहीं एक आध पौधा कोई मिस्टेक कर सकता है, ये तो कुदरती होता है। और कोई क्वेश्चन? बस यही है कि अब इसका शेड्यूलिंग जो है क्या, अभी इसमें क्या क्या दे रहे हो? अब देखो ये, अब ये इस पे ध्यान देना है कि आपका पौधा कहाँ है और कहाँ ड्रिप का पानी चल रहा है। बेचारे को पानी नहीं मिल रहा उसको। ये कहीं कहीं ड्रिपर भी दूर दूर हैं। ड्रिपर हर एक पौधे पे लगाया गया है ये। और ये अलग ये चल रहा है, वो पहले लगी हुई थी, बाद में ड्रिपर एक्स्ट्रा लगाई गई, पानी की पूर्ति नहीं हो रही थी उससे, तब ये ड्रिपर और साथ में लगा दिए गए। अच्छा अच्छा, ये इनबिल्ट ये है ड्रिपर और ये एक्स्ट्रा अलग से लगाए गए हैं। ये कितना लग, इतनी दूरी पर होगा? लगभग 1.5 फुट पे, सवा फुट पे? ये सवा फुट का है, सवा फुट पे। यहाँ पर है क्या ये बीच में? यहाँ पे कुछ चोकिंग में होंगे, चोकिंग में भी होंगे कुछ। चोकिंग के लिए इसमें सल्फ्यूरिक एसिड चला दो ना, इस पे जो है कुछ पानी चला के कुछ देर, जैसे 1 घंटा या आधा घंटा पहले चला के। नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड अभी सर्दियों में तो चलाते थे। अरे अभी चला दो, क्या दिक्कत है? कोई समस्या तो नहीं होगी? कोई समस्या नहीं, अरे कोई समस्या नहीं। उससे क्या है कि हमारा जो ये मिट्टी का स्ट्रक्चर है वो भी सुधार की तरफ आएगा, और जो भी हमने दिया है उसको वो अपटेक करने में मदद करेगा। और ये अपना फर्टिलाइजर तो ड्रिप से ही देते होंगे? हाँ, ड्रिप से ही फर्टिलाइजर देते हैं। अच्छा। वैसे इसमें भट्टी खाद भी जो है 4 बार रख चुके हैं, 3 बार। अच्छा अच्छा, 3-4 बार शायद हो गई है भट्टी खाद, तो ये इस तरह से यहाँ से ऐसे रख। हाँ नहीं नहीं, सही करते हो। पौधे से लगभग मान के लो 10-12 इंच दूर से गुलाई में जी। नहीं सही है। अब ये जैसे मान के चलो, ये आपने ये नाली बनाई है और ये पूरा बेड है जी, तो इसका क्या मतलब है? दरअसल इसमें क्या है कि इसमें छेड़छाड़ नहीं होती है, जैसे लोग ये जो पहले बी किसान और राहुल जवान जी ने जो गाइडलाइन प्रोवाइड करवाई थी। बिल्कुल सही बात है। इसमें तो, क्या है, ये जो एरिया है ये 70% है ये पौधे के लिए है, ये जो नाली है हम किसान भाइयों के लिए है, ये चलने फिरने के लिए। जैसे हमें इस पौधे पे काम करना है तो इस पौधे पे हम इस तरफ से काम करेंगे, और इसी लाइन से इस पौधे पे भी हम काम करेंगे, मतलब दोनों तरफ हम काम करते चले जाएंगे। अब उस पौधे का आया नंबर तो उस पौधे उस लाइन से जाएंगे, और उधर वाले दोनों काम करते चले जाएंगे, तो हमें इस पे नहीं आना है। और जितना भी मल्चर हम इस पे डालेंगे वो हमारे लिए बेनिफिट है, जैसे इसके जितने भी कल्ले काटो जो भी है, या जो भी सब इसी पे डालो, तो ये जो है बहुत ही फायदे का सौदा है। और अभी इसमें, अभी आपने तुरंत में फर्टिलाइजर क्या दिया है? अभी मैंने DAP, यूरिया और पोटास। अच्छा अच्छा, और इसके साथ साथ जो है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन, और दिया है
ह्यूमिक एसिड, फुलबिक एसिड, अच्छा अच्छा, इनका जो मिक्सर है वो मैंने चलाया था। अच्छा अच्छा, ये भी 3 दिन हुए हैं। तो ये तो आपने ये वाला जो वाटर सोल्यूबल आता है वही चलाया होगा? नहीं, एक्चुअली इसमें जो है मुझे बताया था फॉस्फोरिक एसिड का 2 लीटर जो है यूज कर लेंगे, 1 लीटर 1000 पौधों पे, या 200 जो लीटर की टंकी है उसमें, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने यूज किया था, तो उसी के साथ वो डिसॉल्व हो जाता है और जो है यूज कर लेते हैं उसको। सही है, सही है। तो गाइडलाइन तो आप पूरी फॉलो कर रहे हैं, उसका नतीजा भी दिख रहा है। कहीं कहीं हालांकि थोड़ी बहुत कमियां रह रही हैं, तो वो जो है नेक्स्ट टाइम सुधर जाएंगी। नहीं, नहीं, सही, समय के साथ। हाँ, पहली बार है तो पहली बार में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मेहनत अच्छी की है और उसका परिणाम भी दिख रहा है, तो लगता है कि आपका ये 25-30 के आसपास आपका प्रोडक्शन जाना चाहिए। हाँ, हम तो यही कह रहे हैं। नहीं, 25-30 आराम, 30 के मान के चलो, एवरेजन 30 पे जाएगा। एवरेज तो 20 कैलकुलेट करे हुए हैं कि हमारा 20 का एवरेज निकल जाए, बस ठीक है। नहीं, नहीं, फर्स्ट टाइम 20 से ज्यादा। नेक्स्ट टाइम का मेरा टारगेट 30 का हो जाएगा अगली बार का। हाँ, नहीं मतलब पहली साल में होता ना, कुछ कमियां भी हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आपका जो पौधा है वो ठीक है, प्लॉट उधर वाला है वो भी अच्छा चल रहा है, कुछ पौधों में गड़बड़ है लेकिन वो मिट्टी का स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि वहाँ कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा समय के साथ। हाँ, समय के हिसाब से सही हो जाएगा मिट्टी। हाँ, मिट्टी या अब जिस खेत में केला हो गया है उसकी मिट्टी ऑटोमेटिक सही होगी। क्यों सही होगी? अब इसका जो पूरा स्ट्रक्चर इसी पे पड़ेगा, इसकी जो हार्वेस्टिंग होने के बाद इसका जो पत्ता है या पूरा पौधा है इसी बेड पे जाएगा, तो अपना ये अपना मिट्टी में सुधार का पूरा काम करेगा। तो मिट्टी सुधार होती है बायोमास से ही, जब खेत में बायोमास ज़्यादा जाएगा तो मिट्टी में ऑटोमेटिक सुधार होगा। अब इसमें जो है पराली की मल्चिंग करवाई थी इस साइड आगे, तो वहाँ रिजल्ट हमें बहुत अच्छी लगी। नहीं बिल्कुल, जहाँ पे अभी आपको दिखाएं, जैसे आपने यहीं पे मल्चर किया है, देखो यही देखो, जैसे आपने ये यही मल्चर किया है, इस मल्चर के नीचे भैया आप भी देखो मल्चर का क्या फ़ायदा है। अभी कोई कह रहा था कि हम उसमें आग लगाएंगे, आप ही कह रहे दादा, आप ही कह रहे थे। अरे नहीं देखो, अगर वो आप हो जाती है। इससे देखो इतनी कितनी मिट्टी मुलायम है, आप अलग कहीं नहीं इतनी अच्छे से खोद पाओगे। देखो यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होगी और अच्छे से यहाँ पे जो भी सूक्ष्म जीवाणु वगैरह हैं वो हमारी जड़ों में काम करेंगे। और आपको जैसे आपने गेहूँ की बात की, तो गेहूँ में आप कहते हैं कि उसको भूसा बनवा लो, तो बनवा लो, नहीं उसमें आग लगा देंगे। आग मत लगाना उसमें, क्या करो उसमें पलेवा कर दो। पलेवा करने के बाद जैसे ही उसमें ओट आए और आप उसमें हैरो से या किसी से जुताई करवा दो, वे फिर सड़क नहीं है ना, वे सब सड़ जाएंगे, वे सब सड़ जाएंगे। जोले आप धान लगे हो, धान ही तो लगे हो, हाँ, तो जब तक आप धान लगाओगे तब तक वो पानी आपको देना है, एक दो बार और दे देना, डिकम्पोजर चला दो या डिकम्पोजर चला दो, तो आपका बिल्कुल जो है अच्छे से वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो बायोमास फिर आप उसमें धान लगाएंगे, तो फिर धान की क्वालिटी देखना आप। एक पियरो बन रहा उसमें, डीओपी डाल रहा, यूरिया डाल रहा, मैं पियरो रहा। अरे वो भूसा इकट्ठा करोगे वहाँ पे पीरा हो, मतलब पीला हो जाए। रही जैसे जितनी बाहर कम पानी कटी भाई, जहाँ इकट्ठी हो जाए, जितवाई तुम खूब करा हुआ, सड़ते नहीं है, टाइट होती, सड़ती सड़ेगी सड़ेगी, उसके लिए आप डिकम्पोजर चलाएं और मिट्टी में जब मिल जाएगी वो तब सड़ेगी। आप क्या करते हैं, आप जैसे भूसा पड़ा है खेत में, तो आपने उसमें पलेवा नहीं किया, ऐसी पड़ा है जैसे मान के, तो जहीं पे, तो क्या हुआ कि आप जब आप धान लगाने जाएंगे तभी उसमें आप पानी बाल लगाएंगे, तो गर्मी में को पानी 100 रुपया घंटा चल कहाँ से लगवा लें। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि हमारी जमीन का जो स्ट्रक्चर कितना ऊंचा हो रहा है, ये नहीं आप देख रहे हो। बातों बात आपकी ठीक, उतनी फर्टिलाइजर आपको कम देनी पड़ेगी, एक एक बीघा में दो यूरिया उग दे, तो ये चीजें ज्यादा देखो ज्यादा डालने से भी गलत है। अच्छा, इस चीज का डिफरेंस हमने महसूस किया है यहाँ पे, इस साइड हमारे पौधे सबसे ज्यादा खराब थे, मतलब उसमें क्या हुआ था कि मैंने
जो है वो घास खत्म करने वाली वो कौन सी होती है वो मैंने सबसे पहले डाल दी थी, ये पौधे एक एक फुट के थे। गिलाइफो हाँ, गिलाइफो मैंने डाल दी थी तो इधर ग्रोथ रुक गई थी स्टार्टिंग में। हाँ हाँ, बहुत पीछे हो गए थे ये पौधे। और फिर यहाँ कचरा मल्चिंग जैसे ही मैंने करवाई हाँ, तो यहाँ ग्रोथ एकदम जो है बराबर में आ गई कुछ पौधे छोड़ के। तो अब यहाँ बिल्कुल बराबर हो गई ये कचरा मल्चिंग हुई हाँ, ये पराली की। तो इससे तुरंत ग्रोथ उन्होंने पकड़ी। देखो अब यहाँ पे क्या है, नीचे एकदम भुरभुरी मिट्टी ऑलरेडी है। ये देखो डिफरेंस, देखो 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 दादा देख लो, आपको आपको बिल्कुल यहाँ इनकी जो है जड़ों के लिए जो है देखो बिल्कुल पूरा कंडीशन मिल रही जड़ों के लिए, बिल्कुल बास्पा कंडीशन है, नमी बरकरार रहेगी यहाँ पे, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। कचरा मल्चिंग जितनी हो गया उतनी अच्छी है। हाँ ये आपने समझा तो ठीक है। नमस्कार भैया।